हेलो, गुड आफ्टरनून। बहुत से दोस्तों ने मुझसे एक सवाल बार बार पूछा है, बिलखसूस ऐसे बच्चों ने जो पाकिस्तान में अभी फिजियोथेरापिस्ट पढ़ रहे हैं। सम ऑफ देम दे कॉल देमसेल्फ डॉक्टर, बट एक्चुअली दे आर नॉट डॉक्टर, बट दे आर फिजियोथेरापिस्ट। तो फिजियोथेरापिस्ट ने मुझसे ये पूछा है कि जर्मन में फिजियोथेरापिस्ट का क्या, कितने ऑप्शन हैं, कितनी अवेबिलिटीज़ हैं, और क्या उनके लिए कोई यहाँ पे चांसेस या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिल्कुल, फिजियोथेरापिस्ट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मांग है। फिजियोथेरापिस्ट और नर्सिस और डॉक्टर्स, ये तीन ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मांग है और उनकी अच्छी सैलरी है। लेकिन यहाँ पे आपको जॉब करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले तो बात है कि लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप लैंग्वेज अपने कंट्री से सीख कर रहे हैं, और एटलीस्ट इट शुड बी बी आइंस या सी आइंस आपके पास होना चाहिए, और फिर आप यहाँ पे प्रोफेशनल अपनी जो जॉब्स है उसका आगाज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया फिजियोथेरापिस्ट का। और मुझसे काफ़ी लोगों ने ये पूछा कि फिजियोथेरापिस्ट के अलावा भी आया कुछ चांसेस यहाँ पे, जो हाई क्वालिफाइड लोग हैं, आया उनका भी कोई चांसेस यहाँ पे जॉब वगैरह के हैं क्या नहीं। तो मैंने सोचा कि चलें सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हम सबको टच कर लेते हैं और सबके बारे में बता देते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से लोग जो हैं उनकी ज़्यादा डिमांड है या उनकी मांग है। ऐसे लोग जो हाई क्वालिफाइड हैं, अगर वो जर्मन में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो है लैंग्वेज की। ये लैंग्वेज आपको अपने कंट्री से सीख कर ही आनी होगी। हाँ, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं, फॉर एग्जांपल आईटी का कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें लैंग्वेज को कितनी खास ज़रूरत नहीं, और वो इंग्लिश भी चल जाती है, लेकिन वो उस सूरत में आपको अपने एम्प्लॉयर से पूछना होगा कि आया कि मुझे लैंग्वेज कोर्स करना है या नहीं करना है। उसके लिए बहुत सी वेबसाइट हैं ऑनलाइन, आप मतलब के चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कि कौन से डिपार्टमेंट की यहाँ पे मांग है। सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिशियन, हेल्थ वर्कर एंड नर्सिस, उसमें डॉक्टर भी आ जाएंगे, फिजियोथेरापिस्ट भी और नर्सिस भी। उसके बाद है जी इकोनॉमिस्ट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंटेंट मैनेजर, क्लाइंट कंसल्टेंट, प्रोडक्शन असिस्टेंट, सेल रिप्रेजेंटेटिव एंड सेल्स असिस्टेंट, सेल मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर। अच्छा, अभी इसमें अगर हम जर्मन का स्टेटिस का थोड़ा सा मुतालिया करें तो 2012 से 2017 तक जर्मन में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रेशो रहा है, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशो थी वो कम हो गई या बहुत कम हो गई, और लोगों को जॉब की अवेलेबिलिटीज़ वो जहाँ पे मिलती थी। अभी मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि जो टेक्निकल शोबे मैंने आपको बताया, इसमें मैथमेटिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेचुरल साइंस और टेक्नोलॉजी, ये इन लोगों की यहाँ पे ज़रूरत है। और जर्मन एक यूरोप का सबसे अमीर तरीन मुल्क है, यहाँ पे लोगों को बहुत अच्छी पेमेंट्स मिलती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि आप उनके क्राइटेरिया को, उनके मेयार पे पूरा उतरें। जितने भी मैंने आपको डिपार्टमेंट्स बताए हैं इसके मुतलका शोबे में, मुतलका फर्म में आपको जॉब ढूंढनी होगी, और जॉब ऑफर आपके पास होना चाहिए, आपकी अगर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको पूरी करनी होगी, तो यहाँ पे जॉब के चांसेस बन सकते हैं। और अगर इस बारे में आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है जर्मन एम्बेसीज वगैरह से रब्ता कर सकते हैं। इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज है, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान में, कल परसों मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, पूरे पाकिस्तान में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज कैंपस हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू प्लान टू कम हियर देन यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू मेक फुलफिलमेंट देयर रिक्वायरमेंट्स। थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।